विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इन्होंने जमुना पार के नाम पे वोट ली मगर जाके समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी पार्टी ने। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, और उस बात को समझना गहराई से अपने दिल तक रखना। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मैं शेर और शायरी जानता नहीं, मगर मैं एक बात अपने मन से कह रहा हूं, उसको दिल तक रखना। किसान मजदूर नहीं आ रहा दुश्मन के वारों से, किसान मजदूर कभी नहीं आ रहा दुश्मन के वारों से, किसान मजदूर तो हारा अपने गद्दारों से। इस बात को दिल में रखना, इस बात को आप दिल से समझना जो मैं कह रहा हूं। मगर मैं कहना चाहता हूं, विश्वास बात किया दुष्यंत चौटाला जेजेपी ने, एक बार नहीं कई बार किया, पहला विश्वासघात अपने मतदाता के साथ किया जमुना पार का नारा देकर, फिर बड़े बुजुर्ग के साथ किया 5100 का नारा देकर, फिर किसान के साथ किया किसान आंदोलन में, खिलाड़ियों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, विश्वासघात तो किया। लेकिन विश्वासघात करने में 5 घंटे लगाए। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में, तो दुष्यंत उचाणा से जीते, उचाणा के लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। उचाणा के लोगों ने उस दिन कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना, बीजेपी को करो जमुना ना पार के नारे पे भी वोट पड़ी हैं। मगर इन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, जो 5100 की पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। उचाणा से गाड़ी चली थी जींद में, जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक, टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी, मगर दिल्ली के अंदर गाड़ी जैसे घुसी, दिल्ली के टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे घूम घूम के गाड़ी बीजेपी के कार्यालय के आगे पहुंच गई, और वहां समर्थन पत्र ने बीजेपी को दे दिया। हम क्या करें, लेकिन इसने तो 5 घंटे लगाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दूसरी पार्टी है इनेलो पार्टी, इनने तो 5 घंटे लगाए, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं लगाते बीजेपी को समर्थन देने। ये भी आज आपको पहचानने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूं तो एक बार हाथ उठा करके बताओ मैं ठीक कह रहा हूं। 5 मिनट नहीं लगाते। ये वही पार्टी है। आज सोचना चाहिए अभय सिंह को, क्या कारण है। 2014 में इनकी 20 सीट आई थी, कांग्रेस की 17 सीट थी। ये नेता प्रतिपक्ष थे, वहां से घटकर एक पे क्यों आ गए, मैं बताता हूं एक पे क्यों आ गए। 20 से घटकर एक पे क्यों आ गए और आगे 0 पे क्यों पहुंचेंगे, मैं बताता हूं। क्योंकि 2014 से 19 तक लोगों ने तो विपक्ष के नेता का इनको जिम्मेदारी दी थी, मगर ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भूल गए और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर, दोनों नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों 5 साल मिलकर दोनों ने हुड्डा साहब को और मेरे को, हमको निशाने पर रखा। हर बयान हुड्डा साहब के खिलाफ आए, मेरे खिलाफ आए। हम तो विपक्ष में थे, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे। आप खट्टर सरकार के खिलाफ नेता विपक्ष थे, उनसे लड़ाई लड़ते, बयान हमारे खिलाफ, निशाने पे हमको रखा। कहीं भी मौका हुआ तो बीजेपी को वोट दी, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट दी, 2014 में बिना मांगे बीजेपी को समर्थन दिया, 19 के चुनाव के बाद कोई समर्थन नहीं मांग रहा था, लेकिन कह दिया कि कांग्रेस को नहीं देंगे। अभय सिंह का बयान आया, वो तो दुष्यंत की ज्यादा सीट थी, वो पहले दिल्ली पहुंच गए, रेस लगी थी कौन जींद से पहले पहुंचेगा, कौन इलाहाबाद से पहले पहुंचेगा। दुष्यंत चौटाला पहले 10 से अपने एमएलए लेके पहुंच गए। रेस इस बार भी लगेगी। राजस्थान के चुनाव में, मैं कहना चाहता हूं, आपने राजस्थान के चुनाव में देख लिया अपनी सहूलियत से
कि 750 किसानों की नहीं सोची, देश की सरकार की तानाशाही की नहीं सोच की, नौर सीट पे गए वहां पर बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजस्थान में जाके जहां मौका मिला वहां बीजेपी का समर्थन किया, हमारे भी कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं किसी और पार्टी में, लेकिन किसान की बात आएगी तो लड़ाई ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। मौका मिलता है तो ये बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैं आपको आज ये भी एक चेतावनी देने आया हूं, इनका एक समझौता और हो गया है बीजेपी के साथ, जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता, समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात आप एक और मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद और आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।